नमस्कार दोस्तों, आल्हा के धुन पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो आपने इंसानों की शादियाँ बहुत देखी होगी, पर मैं पहली बार आप सभी के बीच तोता मैना की शादी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह खुद में ही मनोरंजन से भरपूर है, तो आइए सुनते हैं तोता मैना की शादी की कहानी। करती मंगल गान, तरह तरह के नृत्य हो रहे, सभी कर रहे गान बजान। इंसानों की शादी देखा तोता के जागे अरमान, मैं भी अपनी शादी करूंगा। राजकुमार की शादी देखकर तोता ने मन में सोचा कि मैं एक सुंदर पक्षी से अपनी शादी करूंगा। जंगल में मंगल होगा, सारे पक्षी बाराती में आएंगे। मैं भी अपनी शादी करूंगा, सोच के तोता भरा उड़ान एक घने जंगल में आया। जंगल लगे बड़ा सुनसान, आम के पेड़ पे सुंदर मैना देख के तोता हुआ है रही थी। पिता से अपने थी परेशान, नहीं कर रहे उसकी शादी। चढ़ी जवानी मारे जान, मांगते सभी दहेज पिता से। पिता गरीबी से परेशान, यही सोच के मैना रोवे। तोता बात से था अनजान, मैना को देख के तोता सोचा काश ये मिल जाए भगवान। और मैना एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगे और जंगल में आम के पेड़ पर एक साथ ही रातें गुजारते। और सुबह हुई तो तोता बोला कि मैं अपने पिताजी को अपनी शादी के लिए राजी कर लूंगा, तुम भी अपने घर वालों को राजी कर लो, फिर शादी हो जाने पर हम दोनों बड़े ही आराम के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। सुनकर पिता तोता के घर को आए, बगुला पंडित पत्रा देखे, शादी का दिन दिया बता, 10 दिन बाद है शुभ मुहूर्त। दिया लगन पत्री लिखवा, नाई बनकर आया कौआ, नेह निमंत्रण बांटने जा, पहुंचा है कोयल के पास में। शादी का नौता दिया थमा, बिहा को भी दिया है जा, बत्तक हंस कोई ना छूटा। जंगल में जितने पशु पक्षी थे, शेर, खरगोश, हिरण, बारहसिंघा, चीता, भालू, गौरैया, सारस, शुतुरमुर्ग, कबूतर, उल्लू, सबको नाई बने कौवे ने निमंत्रण पहुंचा दिया। कोई भी पशु पक्षी नहीं छूटा। जंगल में धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू हो गई।
कठफोड़वा दर्जी दूल्हा दुल्हन और बराती की पोशाकें सिलने लगा। आगे क्या होता है आल्हा में सुनिए। शोर भारी है सुना मैना की सारी सखिया आई। मैना को हल्दी रही लगा शुरू हुई शादी की तैयारी। पक्षी झूमे नाचेगा चले पक्षी मटकोड़वा करने। बंदरिया ने लिया कुदाल झुंड चले सारे पक्षियों का। बजा रहे सभी ढोलक झाल कोयल सुंदर गीत को गाए। मोर थिरक रहे सुनकर ताल काली माँ के मंदिर आए। सभी पक्षी मिलकर काली माँ के मंदिर पूजन करने आते हैं ताकि विवाह में कोई बाधा ना आए। इसीलिए माता को एक एक करके फूल चुनरी और प्रसाद चढ़ाते हैं और गा गा के क्या कहते हैं आइए सुनिए। कोयल कौवा सारस मोर शेर चीता भालू सियार खरगोश बिल्ली सांप मेंढक उल्लू गिद्ध बाज जितने भी जंगल के पशु पक्षी थे सभी कठफोड़वा के यहाँ से पोशाक लेकर और पहनकर तिलक चढ़ाने के लिए तोता के घर चल दिए। तोता के घर में खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन बने हुए थे। सभी सज धज के चले जा रहे थे और संग में डीजे बजाए जा रहे थे और क्या कह रहे थे सुनिए। पीहा कोयल का बने हैं बहुत ही सुंदर व्यंजन। भोजन करने पंडाल में आए मिलजुल कर सभी भोजन करते। दावत का रहे मौजूड़ा घने जंगल में मंगल हो रहा। खुशियां गई जंगल में छा तिलक चढ़ा कर भोजन करके। सारे प्राणी गए हर सा तोता मैना दोनों समधी। खुशी मना शुरू हुई शादी की तैयारी। तोता का तिलक चढ़ जाता है। तिलक में बहुत कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ता है केवल रस्म अदा की जाती है क्योंकि शादी बिना दहेज के तय हुई थी। तिलक चढ़ाकर और भोजन करके सभी पशु पक्षी खुश हो जाते हैं और तिलक हरू लौट के अपने अपने घर आ जाते हैं। अब मैना के यहाँ शादी की तैयारी शुरू होती है। आगे सुनिए क्या होता है।
पहाड़ के रहा धसा, चांदनी कोयल तान रही है। गुब्बारे खरगोश लगा, रंग बिरंग पतंग लहरी। काट के मंडप रही सजा, गौरैया फुआ आई है। झालर बत्ती रही लगा, रंग बिरंगे फूलों को लेकर। भवरा गया है बाग से मंडप। इस तरह सभी पशु पक्षी मिलकर मैना की शादी करने के लिए मंडप तैयार कर चुके होते हैं। उधर तोता सज धज कर तैयार हो रहा है। तोता का चुमावन शुरू है। तोता को उसकी भाभी पपिहरा चुमा रही है, और कैसे चुमा रही है, कोयल क्या गा रही है, सुनिए। मुर्ग भी तोते को गई चुमावन, आए मौसी बुआ चाची चुमाए। झूम झूम सभी गीत को गाए, चुमावन का हुआ समापन। सजे बराती द्वार पे आए, नील गगन में उड़े पराती। कछु बराती पैदल जाए, रंग बिरंगा नील गगन लगे। पक्षी सारे भरे उड़ान, खुशी में झूमते गाते चले हैं। मैना के घर के पास में आए, दरवाजे बारात लगी है। बगुला पैद उचारत जाए, भोजन करने लगे बराती। दावत में रहे मौज उड़ा, तोता का परछावन हो रहा। देखिए तोता का परिछावन शुरू हो गया। तोता को परिछने के लिए श्याम चिड़ैया नाउन बनकर थाल में लोढ़ा लेकर खड़ी हो गई। मैना की सभी संबंधी मौसी बुआ भाभी तोते को परिछने लगी और परिछावन का गीत गाने लगी। फिर शादी करने से पहले जयमाल शुरू हुआ, और जयमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, सुनिए। मैना की शादी संपन्न होती है और वह दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।